सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। जिनकी मंजिलें आसमां हैं, जिनकी मंजिलें आसमां हैं, रास्ता उन्हें खुद बनाना है, रास्ता उन्हें खुद बनाना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका अपना अभिषेक आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है अन अकेडमी स्टूडियो एनग्रेव के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे अन अकेडमी एनग्रेव प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, अब वो घड़ी आ चुकी है, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर किसी को इंतजार था। मेरे प्यारे बच्चों, आज वो घड़ी अब आ चुकी है जिसको हर किसी को इंतजार था, और मेरे जो एसएससी सीपीओ वाले स्टूडेंट हैं उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मेरे प्यारे बच्चों की धड़कनें तेज हो रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस समय मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगा जो आपके आने वाले चंद दिनों में जो आपका एग्जाम है उसमें वो बहुत सहायता करेगी। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले अपनी टीम से मुलाकात करवाता हूँ। मेरी टीम के अंदर जो हैं मैथमेटिक्स के लीजेंड हैं उमाकांत शर्मा जी, सुनील बदोनी सर, पवन राव सर, जनरल स्टडीज में काशिफ अंसारी सर हैं, रीजनिंग के अंदर विक्रमजीत चौधरी जी हैं हमारे साथ, और इंग्लिश एक्सपर्ट संदीप रावत, और आपका अपना अभिषेक जनरल साइंस के लिए। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्यारे बच्चों। मेरा जो इंट्रोडक्शन है, लगभग मुझे 4 साल हो गए हैं एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ के स्टूडेंट्स को मेंटर करते हुए, और आज अभी तक मैंने कम से कम 2 लाख स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, जो काफ़ी वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम उन्होंने क्लियर किए और वो अपने अपने डिपार्टमेंट में आज काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इस सेशन में आपसे बात करने वाला हूँ जो आपका चंद दिनों बाद आपका एसएससी सीपीओ 2019 आ रहा है, जिसका आपको एग्जाम देना है, उसके बारे में इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक बार अपने टेलीग्राम ऐप के बारे में बता दूं। बेटा, टेलीग्राम ऐप के ऊपर आप एसएससी एनग्रेव डालकर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है, हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं उनका सारा शेड्यूल ले सकते हो। जितने भी हम एडुकेटर्स हैं आपको लाइव आकर पढ़ाते हैं टाइम टू टाइम, तो यहाँ पर हमारा सभी का टाइम टेबल मिलेगा, और हमारी वीडियोस को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो टेलीग्राम ऐप से। उसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको एसएससी एनग्रेव लिखना पड़ेगा और उससे सर्च करना होगा। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो, आप कर सकते हो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसको इंस्टॉल भी कर सकते हो प्यारे बच्चों। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपना गोल सेलेक्ट करना होगा, और जो गोल है आपका वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी एग्जाम। जैसे ही एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करोगे तो आपको हमारे प्लस के बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। वो बेनिफिट क्या है हमारे प्लस के मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी अपने फेवरेट टीचर की क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस देख सकते हो, उनके साथ आपका एक रियल टाइम इंटरेक्शन होता रहेगा, और आपकी बिल्कुल जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस में डाउट क्लास होती हैं, सेम एज इट इज आपके घर बैठे लाइव डाउट क्लासेस होंगी। और सबसे ज्यादा आपको क्या बेनिफिट रहेगा, यदि आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, उस सब्सक्रिप्शन की वजह से सभी एडुकेटर्स की क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, उनकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, और ऑफलाइन मोड में आप उस वीडियो को दोबारा देख भी सकते हो। ये बेनिफिट है हमारे अन अकेडमी प्लस के बेटा। सब्सक्रिप्शन की बात करूं मैं आप लोगों से, ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज हैं जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज को एसएससी सीजीएल के लिए। अभी हमारा सीजीएल का एग्जाम आने वाला है मार्च 2020 में, सीएचएसएल का भी
हमारा एग्जाम आएगा, तो उसके लिए आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपसे बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में बेटा। यदि आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जिसकी मात्र कीमत 500 रुपये पर मंथ है, यदि आप इसको एक साल के लिए लेना चाहते हो तो जो फीस होगी आपकी कितनी है, आपके सामने स्क्रीन पर 6,000 रुपये है बेटा। यदि आप इस फीस में मेरा ABS लाइव कोड डाल देते हो, ABS का मतलब क्या है, अभिषेक सरोहा लाइव, ABS का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अभिषेक सरोहा लाइव, यदि मेरा इस कोड का यूज करते हो तो आपको मेरी तरफ से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और जिससे आपकी फीस क्या हो जाएगी, 5,400 हो जाएगी। ये डिस्काउंट कब मिल रहा है, मेरी तरफ से, क्या डालने पर, मेरा कोड डालने पर। मेरा कोड क्या है, ABS लाइव, अभिषेक सरोहा लाइव। यदि आप ये कोड डालते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 5,400 रुपये हो जाएगी बेटा। ये मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए डिस्काउंट। यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 2 साल में आपकी जो पर मंथ फी होगी वो कितनी होगी, 400 रुपये। यदि आप इसको 2 साल के लिए लेते हो तो टोटल जो फीस बनती है आपकी वो कितनी बनती है बेटा, 9,600 रुपये बनती है। यदि दोबारा आप मेरा यही कोड यूज करोगे, ABS लाइव, अभिषेक सरोहा लाइव, यदि आपने ये कोड दोबारा यूज किया, कौन सा, ABS अभिषेक सरोहा लाइव कोड, तो आपको यहां 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट के बाद जो आपकी फीस होगी वो कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो ये होगी फीस, कितनी होगी, 8,640 रुपीज, 8,640 रुपये वो फीस हो जाएगी। आया समझ में, ये तो हमारा सब्सक्रिप्शन था बेटा। आज हम बात करें गुरु मंत्र फॉर SSC CPO एग्जाम 2019। बेटा इसके अंदर देखो, आपको कुछ ऐसी अहम बातें बताने वाला हूं, आप लोगों के साथ कुछ ऐसी अहम बातें शेयर करने वाला हूं मैं, जो आपके एग्जाम में काफी काम आएंगे। हम सभी को पता है कि कुछ चंद दिनों के बाद हमारा एग्जाम हमारे सिर के ऊपर है, हमें एग्जाम देना है, और है कौन सा, SSC CPO। सभी स्टूडेंट्स की धड़कनें काफ़ी तेज होंगी और सभी सोच रहे होंगे कि पेपर कैसा आएगा, कैसे करेंगे, कैसे नहीं। बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट कर रहा होगा कि पता नहीं पेपर टफ होगा या काफ़ी इजी होगा या कैसा होगा, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। बेटा सबसे पहले तो देखो, इसके अंदर एक चीज़ बता देता हूँ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में आ क्या क्या रहा है, बस आपको इतना पता होना चाहिए पेपर में आ क्या क्या रहा है। आप सभी को पता है, सभी ने काफ़ी अच्छे से मेहनत की है, और जब मेहनत की है तो आप लोगों को अच्छे से सिलेबस का भी पता है, जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग आएगी, आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और जो ये 50 क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स के होंगे बेटा, 50 मार्क्स के होंगे। मैथ्स आएगा आपका, 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। GS एंड GA का पार्ट आएगा 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, और इंग्लिश का पार्ट आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और टोटल जो आपका टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 200 मार्क्स, और क्वेश्चंस भी कितने हो जाएंगे बेटा, 200। इन सभी को पता है, और टाइमिंग का भी पता है, टाइमिंग कितनी है इसके अंदर, 2 आवर। अब एक चीज़ देखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि मैं पेपर के अंदर सबसे पहले कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करूं, मैं रीजनिंग का करूं या मैथ्स का करूं सबसे पहले, या इंग्लिश सबसे पहले करूं, या GS एंड GA का पार्ट करूं। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये क्वेश्चन अपने आप दिमाग में आता है कि कौन सा पार्ट सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद कौन सा करें, फिर कौन सा करें, और सबसे लास्ट में हम कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करें। हर एक बच्चे के दिमाग में ये बात रहती है। अब कैसे इस पेपर की शुरुआत की जाए, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, ये तो है उस दिन की बात जिस दिन आप एग्जाम के अंदर जाकर बैठोगे। ये तो सारी बातें कब की हैं, एग्जाम के अंदर बैठने की बात है, जब आप एग्जाम में बैठे हुए होंगे जो आपको करना है। बट मैं अभी आपको सबसे पहले क्या बताने वाला हूँ, अभी बताऊंगा कि आपको एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले क्या करना है। ये ध्यान से सुनना, एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना।
मेरे प्यारे बच्चों, देखो आप लोगों ने साल भर मेहनत की है इस एग्जाम के लिए, तो आप लोग नहीं चाहते कि आपका पेपर कहीं पर फ्लक्चुएट हो जाए, किसी कारण आपका पेपर अच्छा ना हो। सभी का कॉन्फिडेंस लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रही है। आपकी धड़कनें भी साथ के साथ क्या हो रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, कभी तेज हो रही हैं तो कभी कम हो रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल शांत रहो। सबसे पहला आपको करना क्या है इन दिनों के अंदर, पहला पॉइंट है आपको जो करना है मेरे प्यारे बच्चों इसमें, कि जितनी भी सोशल मीडिया हैं, जो जो सोशल मीडिया हैं, जो जो आप लोग सोशल मीडिया को यूज करते हो, उस सोशल मीडिया से आपको सबसे पहले दूरी बनानी है बेटा। इन 2 या 3 दिनों के लिए आपको सोशल मीडिया से क्या करना पड़ेगा, 2 या 3 दिन के लिए दूर रहना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बेटा अब हर एक का जो ब्रेन होता है वो चीजें पॉजिटिव भी बहुत जल्दी लेता है और नेगेटिव चीजें भी बहुत जल्दी कैच करता है। तो हमने जो हमारे माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, उसकी स्टेबिलिटी को कांस्टेंट रखना है। जो हमारा ब्रेन है उसकी स्टेबिलिटी को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, इसको फ्लक्चुएट नहीं करने देना। आपके पास तक कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़े, आपके ऊपर पड़े। देखो सिंपल सी बात है बेटा, आपका ब्रेन थोड़ा सा भी हिला तो आप पूरे हिल जाओगे। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम का टाइम है, इसके अंदर यदि आपका दिमाग थोड़ा सा भी हिलता है आपका ब्रेन, तो आप पूरे हिल जाओगे। और आप हिल गए तो जो आपका होने वाला एग्जाम है, जिसके लिए आपने सालों साल मेहनत की है, दिन दिन पूरी पूरी रात जाग कर जो मेहनत की है हमारे लोग, हम सब लोगों के साथ, तो वो फल नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले दूर रहो सोशल मीडिया से बिल्कुल। जो लोग फोन को यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा फेसबुक करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, टेलीग्राम का यूज करते हैं, इन चीजों से आप लोगों को बिल्कुल दूरी बना लेनी है। और हो सके जो बच्चे घर से बाहर रहकर दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ रहे हैं, हमारे पास क्लासेस लेते हैं, तो उन बच्चों को स्पेशल एक एडवाइस दूंगा मैं बेटा, कम से कम फोन पे बात करो अब 2 दिन के लिए। अपने घर भी कम से कम फोन के ऊपर बहुत कम बातें करो, और हो सके तो उन लोगों से बिल्कुल बात मत करो जो आपके अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करनी है जो आप लोगों को एक नेगेटिव थॉट देते हैं हमेशा, कि अब की बार तो कर देना पड़ेगा पेपर, ये वो, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, और खासकर हमारे रिलेटिव जो कहते हैं ना कि बेटा अब की बार करना पड़ेगा पेपर, 2 साल हो गए हैं तेरे को अटेम्प्ट करते, 3 साल हो गए हैं। खासकर इन रिलेटिव से, ऐसे रिश्तेदारों से आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, आप अपने कंटिन्यूटी अपने आप अपनी बना सकते हो, जो आपकी पहले कंटिन्यूटी थी वो सेम कंटिन्यूटी कर सकते हो। बट इस चीज का ध्यान रखो, जो आपको नेगेटिव थॉट देते हैं उन लोगों से बिल्कुल दूर। फालतू किसी से कोई बात मत करो 2 दिन आप लोग बिल्कुल भी। तो पहला पॉइंट तो यही था आपका, सोशल मीडिया से दूरी बनानी है। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इनसे बिल्कुल दूर रहो। कुछ नहीं पता समय का मेरे बेटा, कुछ नहीं पता किस समय कैसी न्यूज़ आपके ब्रेन में आ जाए, और यदि आपका ब्रेन हिल गया तो पूरे साल की मेहनत हिल जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है। फोन पे भी बात करनी है तो उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करनी जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। नेगेटिविटी का माहौल बिल्कुल क्रिएट नहीं होने देना है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। सबसे पहली बात तो ये थी आपकी। अब बेटा बात आती है दूसरी, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, कहते हैं कि सर पेपर से पहले नींद नहीं आती 2 दिन पहले, पेपर से पहले नींद नहीं आती 2 दिन पहले, तो क्या करें? अब बेटा एक बात और बताऊंगा, यदि आप प्रॉपर से अच्छे से सो नहीं पा रहे, आप अपना स्लिप नहीं कर पा रहे, अच्छे से सो नहीं पा रहे, तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये नींद आपको पेपर में दुखी कर सकती है। और यदि इसने आपको एग्जाम में दुखी कर दिया तो ये समझ लो आपका एग्जाम दुखी हो गया, और एग्जाम दुखी हो गया तो आपका सपना सपना रह गया। इस चीज का ध्यान रखना।
आपका सपना सपना रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि इस नींद ने आपको दुखी कर दिया तो। जितना हो सके इस पे कंट्रोल बनाओ। पेपर से 2 या 3 दिन ही रहते हैं आपके। अच्छे से नींद लो, अच्छे से आराम से सोओ इसके अंदर, ताकि ये नींद आपको क्या ना करे, परेशान ना कर पाए आपके एग्जाम के टाइम में। आया समझ में? एक बात और बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ रातों रात क्लास कर रहे हैं, हमारी लाइव क्लास में बैठे रहते हैं, लाइव क्लास देखते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को नाइट में काफी लेट सोने की आदत है, नाइट के अंदर काफी लेट सोने की आदत है, तो खासकर ये उनके लिए है। बेटा अब आप बिल्कुल अपने टाइमिंग पकड़ लो, लेट बिल्कुल मत हो, अपना टाइम टू टाइम सो, जिसकी वजह से आपको डे में, क्यों पेपर आपको देना है कब, डे टाइमिंग में, और आप जब नाइट में लेट नाइट तक क्लासेस करते हो हमारे साथ, तो आपकी क्या बनी हुई है, एक हैबिट बन चुकी है कि मॉर्निंग में आप काफी लेट उठते हो। मॉर्निंग के अंदर क्या करते हो आप, काफी लेट उठते हो। और बेटा ध्यान रखना, पेपर आपका नाइट में नहीं होने वाला है, पेपर होगा डे टाइमिंग में। किस में होगा, डे में। तो डे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नींद अपनी नाइट में ही पूरी करनी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, अपनी नींद पे कंट्रोल करना पड़ेगा आप लोगों को। यदि नींद पे कंट्रोल कर लिया तो बिल्कुल फ्रेश उठोगे आप पेपर वाले दिन, बिल्कुल हल्का महसूस करोगे और बड़े अच्छे से आपको पेपर देने जाना है। तीसरी बात इसके अंदर क्या है आप लोगों के लिए, बेटा पेपर से एक दिन पहले आप लोगों ने अपना आईडी प्रूफ रख लेना है। पता है सभी को आईडी प्रूफ चेक होता है एंट्री करते समय, आईडी प्रूफ और जो आपका रोल नंबर होता है, इन दोनों को एक साथ आपको रख लेना है सोने से पहले। जैसे कल पेपर है तो आज रात को इन दोनों चीजों को एक साथ रखकर अपनी टेबल पे सोना, ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि सुबह पेपर है तो आप सुबह ही इनको सर्च करो और फिर चलोगे। बेटा बाय चांस 1% इनमें से कोई चीज नहीं मिली आपको टाइम पे, तो आपके अंदर बेचैनी पैदा कर देगी, और ये बेचैनी कहाँ निकलेगी, फिर आपके एग्जाम में निकलेगी। तो इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल ध्यान मत रखना बिल्कुल कि आप, मैं एग्जाम वाले दिन ही इनको सर्च करूंगा अपने आईडी प्रूफ को और रोल नंबर को, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक दिन पहले अपने आईडी प्रूफ रखो और अपने रोल नंबर को अपने साथ रखो। आया समझ में? सेम जिस दिन आपका एग्जाम है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन आपका एग्जाम है, फोर्थ पॉइंट, आपको अपना सेलफोन बिल्कुल नहीं लेके जाना है, सेलफोन बिल्कुल नहीं लेके जाना है, अपना मोबाइल फोन नहीं लेके जाने हैं। क्योंकि पता है स्कूल के अंदर आपके अलाउड नहीं होते, जो आपकी लैब होती है लैब अलाउड नहीं करती मोबाइल फोन रखने के लिए, आपको कहीं बाहर किसी ठेले पर रखना पड़ता है। उसके लिए आप पेपर से पहले इधर से उधर घूमते रहते हो, किसी से कहते हो भैया फोन रख लो, इतने रुपए ले लेना, 20 रुपए ले लेना, 10 रुपए ले लेना। इन चीजों के चक्कर में जो आप 10 और 20 रुपए की बात करते हो ना, कि भैया 10 रुपए में फोन रखवा लो, 20 रुपए में रखवा लो, आप रख तो देते हो फोन को, आपका आधा दिमाग तो कहाँ रहता है, आपके फोन के पास रहता है कि मेरे फोन में तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, पता नहीं कभी लेकर ना भाग जाए। क्या सोचते हो कि मेरे फोन में तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, क्या पता ये लेकर भाग जाए कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसी चीज को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज का। आया समझ में? दूसरी बात इसमें नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट बड़ा ही सिंपल है। मैंने आपको कहा सेलफोन नहीं लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम रोड मैप कैसे सर्च करेंगे। बेटा पेपर से पहले, सोने से पहले उसी रात को अपने मोबाइल में मैप में आप देख लो कि आप एग्जाम सेंटर तक कैसे जा सकते हो, एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचना पड़ेगा। आप ये पेपर से पहले एक रात आप देख सकते हो अपने मोबाइल में गूगल मैप के ऊपर कि आप एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचोगे। जरूरी नहीं है कि आप उस दिन फोन लेकर जाओ और गूगल के मैप ओपन करके जाओ, एक दिन पहले आप पूरा ट्रेस कर लो और अपना याद कर लो बेटा कौन सी बस में जाना है आपको, कौन सी मेट्रो का प्रयोग करना है, और कहाँ से क्या ऑटो लेना है या कौन सी रिक्शा लेनी है। इन चीजों का आप पहले ही तैयार करके रखो अपने माइंड में। आया समझ में? लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को अब क्या बताऊंगा, लास्ट पॉइंट है आप लोगों को नाइट के समय, जैसे पेपर क्या है हमारा,
मॉर्निंग में है, पेपर है मॉर्निंग में। आपको क्या करना है, नाइट में रात को सोते समय काफी हल्का खाना खाना है। जो खाना खाओगे, कैसा खाओगे बेटा, ध्यान रखना, काफी हल्का खाना खाना है। हल्का खाना खाओगे तो सुबह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके स्टोमक से रिलेटेड, आपके पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बड़े आराम से उठोगे सुबह, अच्छे से फ्रेश होना, फ्रेश होकर अच्छे से अपने बाथ लेना, और बाथ लेकर आप अच्छे से अपने भगवान का, अपने गॉड का, अपने माँ बाप का नाम याद करके, अपने माँ बाप को याद करके अपने एग्जाम के लिए आपको चल देना है। यही चीज याद रखना है बेटा आपको। जिस दिन आपका पेपर है उससे पहले वाली रात आपको खाना बहुत हल्का खाना है, ताकि आपको पेट की कोई भी समस्या ना हो पाए। यदि आप ऐसा करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्रेश उठोगे, और जैसे ही फ्रेश उठोगे तो आप अपने आप में काफी हल्का पाओगे। आया समझ में? और जिस दिन पेपर है मॉर्निंग टाइम में, जिस दिन आपका पेपर है जिस टाइम मॉर्निंग टाइम में, आपको क्या करना है, आपको बड़ा ही सिंपल काम करना है। हल्के से हल्का नाश्ता करके जाना है, खाली पेट नहीं जाना है मॉर्निंग में, ध्यान रखना। एग्जाम वाले टाइम आपको खाली पेट नहीं जाना है बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ खाकर जरूर जाना है। कभी आप सोचो कि मैं एग्जाम सेंटर के पास जाकर खा लूंगा, तो बेटा एग्जाम लैब्स के पास कई बारी चीजें नहीं मिलती हैं खाने लायक, और वो बाहर की चीजें होती हैं, उस समय खाने से प्रॉब्लम हो सकती है हमें। तो आप लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है, जितना हो सके आपको मॉर्निंग में हल्का सा आप ब्रेकफास्ट कर लो, ताकि आप दोपहर तक का आप समय अच्छे से निकाल सको, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और हो सके तो बेटा पानी की बोतल साथ लेकर जाना, पानी की बोतल भूलना मत। पानी की बोतल आप लोग अपने साथ कैरी करोगे, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना। पानी पीने से क्या रहेगा बेटा, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं होगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ध्यान रखना इस बात की। आया समझ में? यही वो पॉइंट्स थे बेटा, फिर आपको ये पॉइंट्स दोबारा बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। बेटा सोशल मीडिया से दूर रहो, जब तक अब आपका एग्जाम नहीं आ जाता, जब तक आप एग्जाम नहीं देकर आ जाते, सोशल मीडिया को बिल्कुल कट ऑफ कर दो। कोई फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम बिल्कुल यूज मत करो। यहाँ से कोई भी ऐसी न्यूज आ सकती है जो आपको परेशान कर सकती है, और आप परेशान हुए तो आपके ब्रेन में वो बात गई जिससे आप हर्ट हो सकते हो, और आपका ब्रेन एक बार हिला और हिला पूरे साल की मेहनत हिल जाएगी। तो ऐसी गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत मन लगाकर तैयारी की है इस एग्जाम के लिए, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने बताया पेपर से पहले आपको अच्छे से सोना है, आपको अच्छे से नींद लेनी है। 2 या 3 दिन पहले एग्जाम्स के अच्छे से सो, आपकी आदत बिगड़ चुकी है। हमारे साथ हमारी लाइव क्लासेस कर करके आप लेट नाइट तक काफी जागते हो, और मॉर्निंग में काफी लेट उठते हो। तो बेटा मॉर्निंग शिफ्ट में जिसका पेपर होगा उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको स्पेशली, उस पर्सन को, मैं उस स्टूडेंट को, उस अपने प्यारे बच्चे को स्पेशल बता रहा हूँ ये बात। बेटा रात को 2 दिन है, अपना जल्दी सोने की आदत डाल लो, आराम से जल्दी सो सुबह के रात के टाइम, और सुबह जल्दी उठोगे, और सुबह जल्दी उठकर आप अपने एग्जाम सेंटर तक इजीली अपने टाइम पर पहुंच सकते हो। आया समझ में ये बात? सेम थर्ड पॉइंट क्या है आपका, फिर बता दो, अपना आईडी प्रूफ और रोल नंबर। पेपर से 1 दिन पहले ही अपना रोल नंबर निकलवा लो, और अपना आईडी प्रूफ रख लो, और उसकी एक फोटोकॉपी रख लो। ये चीजें अपने पास रखो अपनी टेबल पे, ताकि जिस मॉर्निंग में आप पेपर देने जाओ, टेबल से अपनी इन दोनों चीजों को कैरी करो और चले जाओ। आईडी प्रूफ और रोल नंबर ध्यान रखो बेटा इन चीजों का। ऐसा मत करना कि जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन आप रोल नंबर निकलवाने जाओ, पता लगे मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, और मॉर्निंग शिफ्ट में आपको पता है आसपास कोई भी आपका कोई साइबर कैफे ओपन नहीं होता है, कोई भी दुकान कैफे की ओपन नहीं मिलेगी, आप भटकते रहोगे, आप बेचैन हो जाओगे, बेचैनी से आपका पेपर बेचैन हो जाएगा, और बेचैन पेपर हो गया ना तो समझ जाओ आपकी कैरियर बेचैन हो जाएगा आपसे। इसके साथ खिलवाड़ मत करो, ये ऐसी बातें हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना है, मैंने बताया आपको, सेल फोन बिल्कुल मत लेके जाना एग्जाम वाले दिन बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है सेल फोन को अलाउड नहीं किया जाता अंदर रखने के लिए, आपको बाहर किसी ठेले पर रखना पड़ता है।
आया समझ में? और फिर आपके दिमाग में रहता है कभी ठेले वाला फोन ना लेके भाग जाए, कभी गुम हो जाए मेरा फोन, कभी कुछ, बहुत सारी बातें दिमाग में आ जाती हैं जिससे आपका दिमाग हिल सकता है ये, और ये हिला तो आप हिले, और आप हिले तो आपका पेपर हिला। तो ये गलतियां मत करना। हाँ, रोड मैप के लिए आप गूगल मैप को एक दिन पहले ही सर्च करके देख लो आपका सेंटर कहाँ है, कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है, कौन सी बस का यूज करना है आपको। इसमें ध्यान रखो आपको कितने नंबर बस लेनी पड़ेगी, कौन सी मेट्रो जाएगी आपकी, और मेट्रो से कोई ऑटो रिक्शा वगैरह जो भी करना है आप वो पहले ही अपने माइंड में एक मैप बनाकर तैयार रखो जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया बेटा, मॉर्निंग में और नाइट में। सपोज करो आपका कल मॉर्निंग में पेपर है तो आज नाइट में बिल्कुल हल्का खाना खाओ ताकि पेट में कोई दिक्कत ना हो पाए। हल्का खाना खाओगे, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठोगे, आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और सुबह के टाइम हल्का नाश्ता करना है और फिर एग्जाम के लिए निकलना है। और एग्जाम से पहले निकलने के लिए अपने भगवान को याद करना है सभी बच्चों ने, और अपने माँ बाप को याद करना है, और उसके बाद आपको पेपर देने के लिए जाना है। तो ये वो पॉइंट्स थे मेरे प्यारे बच्चों कुछ जो आपकी काफी मदद करेंगे आपको पेपर में स्टेबल रखने की। कभी भी मत सोचना कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे लूज होगा कैसे नहीं होगा, ये इन चीजों को छोड़ दो, कॉन्फिडेंस की बातें। बस इतना अपने आप में रखो, मैंने मेहनत की है मेरा फल मिलेगा जरूर। बस एक बात ध्यान रखना, मेहनत की है आप लोगों ने, फल जरूर मिलेगा, बस यही बात याद रखो। और अच्छा पेपर होगा, मेरी गुड विशेस आप लोगों के साथ है, और कोशिश करूंगा मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ आऊंगा दूसरे पार्ट में और आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो इस सेशन के अंदर प्यारे बच्चों सिर्फ इतना ही करते हैं, दूसरे सेशन में आया तो मैं जरूर आपको और बातें बताऊंगा कि कौन सा पेपर अटेम्प्ट करते कौन सा नहीं। इसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा बेटा। जो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है ना कि हम रीजनिंग पहले स्टार्ट करें, क्या डाउट होता है कि हम रीजनिंग पहले करें या मैथ पहले करें या जीएस का पार्ट पहले करें, जीएस एंड जीए का पार्ट, या फिर हम इंग्लिश को पहले करें, ये मैं अपने सेकंड पार्ट में बताऊंगा आप लोगों को। आज थोड़ी सी मेरे साथ टाइमिंग की प्रॉब्लम है, अभी मैं लाइव नहीं बता सकता आपको, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं इवनिंग में फिर दोबारा आऊंगा, इवनिंग टाइमिंग में आपको दोबारा लाइव बताने के लिए। आप वहां से उन चीजों को जरूर सुनना, और इस वीडियो को आप जितना लाइक कर सके उतना लाइक करें। उन सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जानी चाहिए, शेयर होनी चाहिए जो एसएससी सीपीओ 2019 का आपकी बार एग्जाम दे रहे हैं। किसी भी बच्चे के साथ इनमें से जो मैंने बताए 6 पॉइंट कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये 6 पॉइंट सभी को फॉलो करने हैं, ध्यान रखना इस बात का। और बिल्कुल अच्छा पेपर होगा, पेपर की बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत अच्छा पेपर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, बहुत रातों आप जाग जाग कर पढ़े हो, बहुत मेहनत की है, तो फल हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप लोगों से अलविदा लेने का समय आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ हमारे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सेशन में इतना ही, मैं इवनिंग में फिर दोबारा आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट, फिर वही बातें लेकर कि कौन सा पार्ट हम पहले करें, क्या करें और क्या ना करें। तो ये बातें करते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपना अभिषेक।